अब हम नई नीति लेके आ रहे हैं। इसमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुरूप और परंपरागत तरीके से ये बनाने की छूट भी दी जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कई हमारी जनजाति आदिवासी परंपराएं जो हमारी संस्कृति का अंग है, वो हमारे लिए बुराई नहीं है। अलग अलग हमारे कार्यक्रम होते हैं, जन्म के समय, मृत्यु के समय, पूजा अर्चना, इसमें अपनी संस्कृति के हिसाब से हमको जरूरत पड़ती है। पूजा के लिए शराब की भी पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे पड़ती है कि नहीं पड़ती? मैं इसका मतलब यह नहीं है कि शराब की वकालत कर रहा हूं, लेकिन ऐसी हर परंपरा के निर्वाह के लिए, हमारी संस्कृति की जरूरतें पूरी करने के लिए, अब ये शराब कभी खरीदना ना पड़े। महुआ हमारे यहां एक दौलत है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। और उसके फूल कई तरह के कामों में उपयोग होते हैं, और इसलिए जैसे डिस्टिलरी वाले बनाते हैं, अभी अगर कोई आदिवासी बना ले, डिस्टिलरी वाले तो बना बना के बेच ही रहे ना, तो उस पर मुकदमे बन जाते हैं, पुलिस प्रकरण बना दे, आबकारी वाले बना दे। अब हम नई नीति लेके आ रहे हैं, इसमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुरूप और परंपरागत तरीके से ये बनाने की छूट भी दी जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, ईमानदारी से बताना होना चाहिए कि नहीं है? और जब बड़े डिस्टरी वाले बेचते हैं तो हम बना के बेच दें तो क्या तकलीफ है भाई? है कोई तकलीफ? और इसलिए फिर उससे धन भी कमाए। राजवर्धन जी, बड़े बड़े लोगों के अधिकार काहे को रहे भाई? अरे गरीब भी अगर ये काम कर सकता है तो करके धन वो ही कमाए, परंपराओं का निर्वाह के लिए। और अलीराजपुर जिले का ताड़ तो महुआ हो चाहे ताड़ हो, ताड़ हो तो ताड़ी, ये मैं कोई गलत सेंस में नहीं कह रहा, मद्य निषेध होना चाहिए, लेकिन परंपराओं का निर्वाह होता है। दूसरे बेच रहे और आदिवासी पे मुकदमे बना रहे, ये नहीं चलेगा भाई, किसी भी कीमत में ये नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए नई आबकारी नीति बनाई जाएगी।